प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 20 साल संवैधानिक पद पर रहने पर आधारित मोदी एट द रेट 20 पुस्तक को लेकर प्रमुख प्रबुद्ध संगोष्ठी मुख्य अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा नेपाल क्लब में आयोजित किया गया। इसके संबंध में पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सपनों को पूरा किया है, इसलिए मोदी युवाओं के रोल मॉडल हैं। भारत युवाओं के सबसे बड़े आदर्श हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए नारी सशक्तिकरण का प्रयास मोदी ने किया तथा लोगों के सपनों को शीशे में उतारा। मोदी ने हर गरीबों को आवास, स्वास्थ्य बीमा, उज्ज्वला योजना, इज्जत घर, जनधन योजना दिया। मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया में भारत का नाम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शासन 20 वर्षों में मोदी ने ऐतिहासिक किया है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रवक्ता अजय मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर आरती श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, नितिन द्विवेदी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, अखिलानंद त्रिपाठी, कृष्ण कुमार मिश्र, परमानंद सिंह, गिरीश त्रिपाठी, देवेश श्रीवास्तव, राहुल गिरीश सहित अधिवक्ता एवं भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, समुचित कार्यक्रम को आयोजित करने वाले पदाधिकारीगण हैं, उनमें से मैं मुख्य अतिथि श्री विदेश मणि मोदी जी को पुष्प लेकर सम्मानित करने के रहे हैं। धार्मिक पुस्तक लेकर सम्मानित करने के लिए विशिष्ट वक्ता अरत माता का चित्र लेकर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। दीप्तिमान जी, भारत माता की जय। भुल्ला कोशो में ता द्रोमा दादा सोभी सुहासिनी सुमधुर वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की आचार्य सह आचार्य है तो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा से शुरू से ही जुड़े रहे और आज भी इनकी प्रेरणाएं राष्ट्र निर्माण के प्रति भी सजग थी। तीनों और संगोष्ठी के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सतीश द्विवेदी जी, आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, नवोदय अकेडमी के चेयरमैन आदरणीय संजय त्रिपाठी जी, आदरणीय चंद साहब, ड्रीम्स नीड डिलीवरी अमेजन पर उपलब्ध है, बहुत सारे माध्यमों पर उपलब्ध है। आज इसी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। शहर के और आसपास के सभी सम्मानित प्रबुद्ध जन आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में। प्रत्यक्ष रूप से तो उनका सानिध्य नहीं मिला, लेकिन हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कुछ बताना इस समय सूरज को दिया दिखाने जैसा ही होगा। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री जब बने थे 7 अक्टूबर 2001 को, तब से लेकर उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने तक लगभग देश उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो चुका था। और जब हमको याद है सितंबर 2013 जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के लिए आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया था अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उस समय तक गुजरात मॉडल दुनिया भर में एक विकास के मॉडल के रूप में सामने आ चुका था और सपने कैसे पूरे किए जाते हैं, सपनों को सच में कैसे बदला जाता है, ड्रीम कैसे डिलीवरी को मीट करते हैं, ये झलक मोदी जी ने देश को दिखा दी थी। और उसी का परिणाम था कि पार्टी ने कोई देश पर निर्णय नहीं थोपा था, देश की जनता की मांग थी, कार्यकर्ताओं की ये मांग थी, संगठन की ये मांग थी कि मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी ने उस समय घोषणा की। शायद मैं अगर सही हूं तो भारत के इतिहास में पहली बार
जबकि चुनाव नेहरू जी का चेहरा देखकर हुआ होगा, इंदिरा जी का चेहरा देखकर हुआ होगा, अटल जी का चेहरा देखकर हुआ होगा, लेकिन विधिवत औपचारिक रूप से भारतीय इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की। क्योंकि सामान्यतः ये साधारण राजनीतिक दल आज दुनिया का कोई मंच हो, ब्रिक्स का हो, IQ-U2 का हो, UNO का हो, दुनिया का कोई मंच हो, आज वो भारत और भारतीय नेतृत्व को इग्नोर नहीं कर सकता। दुनिया कह रही है कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर रहा है, तो तभी होगा जब उसकी पहल मोदी जी करेंगे। आज ये बदलाव भारत की वैदेशिक नीति में भी आया है। मैंने कोशिश की है कि मैं मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर कोई भाषण ना करूं, क्योंकि मैं उसके योग्य भी नहीं हूं, और आप इसे सब मुझसे ज्यादा वो बातें जानते हैं जिन लोगों ने ये किताब अभी नहीं पढ़ी है, और शिक्षा पूरी बताई भी नहीं जाती है, नहीं तो उसको देखने का क्रेज खत्म हो जाता है। जितनी बातें मैंने कही है केवल एक एक अध्याय का केवल इंट्रो किया है, केवल एक परिचय किया है। आप एक एक अध्याय में जो सागर जैसा व्यक्तित्व और हिमालय जैसा कृतित्व जो समाहित है मोदी जी का, वो सब आपको देखने और पढ़ने को मिलेगा। अभी तक हिंदी वर्जन था, इंग्लिश वर्जन भी आ गया है। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो एक ज्ञान का भंडार मिलेगा, और आपको लगेगा वो सपने, जो पढ़ेगा किताब उसको लगेगा वो सपने जो मैंने देखे थे, वो सपने जो मेरे परिवार ने देखे, वो सपने जो मेरे जाति, मेरे वर्ग, मेरे समाज ने देखे, वो सपने जो मेरे गांव ने देखे, वो सपने जो मेरे प्रदेश ने देखे, वो सपने जो मेरे देश ने देखे, वो सपने जो मोदी जी ने देखे, वो सपने जो भाजपा ने देखे, वो सपने जो संघ ने देखे, वो सपने जो हम सब ने देखे थे, वो सारे सपने कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ पूरे हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में। इसीलिए मोदी एट 20 ड्रीम में डिलीवरी, इस पर देश भर में चर्चा करने का निर्णय पार्टी ने लिया है। ये चर्चा आपके माध्यम से नीचे तक जाए, यही आग्रह करते हुए, और गोरखपुर तो मेरे लिए सीखने की भूमि रही है, समझने की भूमि रही है। देखिए, मोदी जी ने शासन के 20 वर्ष जो इस देश में बिताए हैं, 12 साल 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, और 7 साल पूरे हो गए, 8वां साल चल रहा है इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने इस देश के आकांक्षाओं, इच्छाओं और देश के एक साधारण नागरिक के सपनों को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए जो प्रयास किया है, सरकारी नीतियों का जिस तरह से क्रियान्वयन किया है, और गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े वर्ग की आकांक्षाओं को जो पूरा किया है, उसका वर्णन इस किताब में है, जो अंग्रेजी वर्जन जिसका है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, सपने पूरे करने का जो प्रयास मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन के माध्यम से समाज के बीच में उन कामों को ले जाना चाहती है, इसलिए नहीं कि मोदी जी के काम को लोग जानें, इसलिए कि भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर रहा है, विकास के नए प्रतिमान बिगड़ रहा है, उसकी जानकारी जनता को मिल सके।